मॉर्निंग स्ट्रेंथ क्लास 7 के प्यारे बच्चों, आपके लिए जो एक्सरसाइज था 4.4, जिसको हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको घर से करके लाना है। उसमें से हमने दो एग्जांपल्स को चुना है जो आपको हम करके समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या 101 और 101 दोनों में कॉमन है, तो 101 को हम बाहर ले लेते हैं। तो -99 प्लस साइन है, प्लस हो गया और माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये देखिएगा 101 -99 -1 कितना हो गया, ये 101 मल्टीप्लाई 100 हो गया, यानी कि 101 00, ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही आप यहाँ पे कॉमन देखिए, कॉमन देखते हैं तो ये और ये आपका क्या है, कॉमन है, तो -72 कॉमन है, बाहर ले लिया तो क्या बचा -43, प्लस साइन बचा, प्लस लिख दिया और क्या बचा -14 बचा। ठीक है, -14 बचा, तो यहाँ पे 72 -43 -40, ये आपका 72, ये कितना हो जाएगा 437 और 415, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया और निगेटिव हो गया। यहाँ से आप क्या कर लेते हैं, यहाँ से आप इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 72 और 57, 72 जा क्या हो गया 14, कैरी 1, 77 जा 49 और 1, 55 जा 10, कैरी 1, 75 जा 35, 164065 आपका 11 और ये 4104 और माइनस माइनस क्या होता है रिजल्ट प्लस आ जाता है। इस चीज को हम यहाँ पे लिखते नहीं है। फिर क्या आता है आपका जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स है, एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय जीरो, किसी भी संख्या में किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर विद द सेम न्यूमरल विद अपोजिट साइन इज इक्वल टू जीरो। दूसरा बोलता है कि सेम न्यूमरल को उसके अपोजिट साइन से जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, तो क्या ये जीरो होता है, नहीं होता है, क्या, क्योंकि 5 क्या 25 प्लस माइनस माइनस, ये जीरो नहीं होगा, यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जीरो इज द मल्टीपल आइडेंटिटी, नो हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर इंटीजर्स इज पॉजिटिव, ये सब चीजों है सबका मल्टीप्लाई करके देखना है और यहाँ से क्या होता है आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर, क्या पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा कीजिएगा और आपको लगता क्या है कि जो आपका एक्सरसाइज है उसका ये लास्ट चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा। तो आज के इतना ही, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।